नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। पिछले व्लॉग में हमने क्लाउड फॉरेस्ट डोम को एक्सप्लोर किया था, आज हम सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी गार्डन्स बाय द बे के अंदर हैं। यहाँ कुल 18 ट्रीज़ हैं जिनमें सुपर ट्री सबसे बड़ा है। ये हमारा मेन अट्रैक्शन है, यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है। सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, इसकी कुल हाइट 160 फीट है। ये जितने भी ट्रीज़ हैं ये सब एग्जॉस्ट का काम यहाँ पर करते हैं ताकि पूरे गार्डन्स बाय द बे को ठंडा रख सकें। कूलिंग सिस्टम के तौर पर एक तौर से काम करते हैं। खाने के लिए यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिवाय इंडियन फूड के। इंडियन फूड की कमी आपको ज़रूर यहाँ खलेगी, लेकिन थाई फूड भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। वीकेंड पर बहुत ही भीड़ यहाँ पर होती है। ये ऊपर स्काई वॉक है, लिफ्ट के जरिए हम वहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ से पूरे सिंगापुर का व्यू हमें दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है सिंगापुर ऊपर से। यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आप पाएगा। सामने सिंगापुर फ्लायर है, ये फ्लावर डोम है, और यहाँ आपको दिखेगा क्लाउड फॉरेस्ट डोम। ये है मरीना बे सैंड्स। यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये भाई साहब यहाँ कुछ करतब दिखा रहे थे, तो चलिए इनके करतब को थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, इसके बाद हम सुपर ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब सुपर ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए हम आ जाएंगे ऊपर टॉप में डेक पर, और यहाँ से आपको दिखेगा मरीना बे सैंड्स। रात को यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है गाइस। वैसे तो आप किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, टिकट्स पूरे दिन के लिए वैलिड होती हैं, लेकिन मैंने ऐसा टाइम चूज़ किया था कि मैं डे और नाइट दोनों व्यूज़ को इन्जॉय कर सकूँ। अभी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग नाइट शो होने वाला है, लाइटिंग शो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये
ये सामने सिंगापुर फ्लायर है, इसे हम कल एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइट शो हमारा स्टार्ट हो गया है, यहाँ का लाइट शो बहुत ही अमेजिंग है गाइस, जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखें। नीचे ग्राउंड में एक कॉन्सर्ट चल रहा था, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें।